क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है, जब क्रिस्टल ग्रो करते हैं ना, इट एक्सटेंड्स इन ऑल डायरेक्शन एंड इन आइडेंटिफाई बाय इट ज्योमेट्रिक शेप। जैसे इसकी जो ज्योमेट्रिक शेप होती है ना, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस टाइप का क्रिस्टल है। ठीक है, अब क्रिस्टल इज डिफाइंड बाय इट्स माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक अरेंजमेंट। जैसे आप इसके अंदर देख रहे हैं, इसकी एटॉमिक अरेंजमेंट क्या होगी, जैसे इसकी इस पर्टिकुलर पेंसिल के ऊपर 1 2 3 4 5 फेसेस है ना, इस पेंसिल के ऊपर 5 फेसेस नजर आ रहे हैं आपको। तो इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर वो 5 तरीके से जुड़ा हुआ है। अब क्रिस्टल के अंदर आपके जो ऊपर पेंसिल पे फेसेस है 4 5 6 7 कुछ भी हो सकते हैं, तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको बताएगा कि उसका क्या शेप होगा। समटाइम्स वी एनकाउंटर सर्टेन थिंग्स विच लुक लाइक क्रिस्टल बट इट मे नॉट बी, है ना। बहुत सारी चीजें हमें ऐसा लगता है क्रिस्टल है लेकिन वो क्रिस्टल होती नहीं है। लेकिन वो कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, वो सिर्फ जेमोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं। मार्केट में काफी सारे फेक क्रिस्टल्स अवेलेबल होते हैं ना, कांच होते हैं, कांच की कितनी सारी चीजें बनी होती है, हमें ऐसा लगता है वो क्रिस्टल है। बहुत बार हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि वो क्रिस्टल है या फिर कांच है, ग्लास से बना है या फिर क्रिस्टल है। जैसे सेरोस्की, सेरोस्की क्या है, इट इज मेड आउट ऑफ ग्लास बट बड़ा रिफाइंड है, उसका कट बड़ा रिफाइंड है ना। सेरोस्की क्रिस्टल नहीं है ना, सेरोस्की एक ग्लास है, राइट। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स और ऐसे ग्लासेस के अंदर या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट जो लगते हैं क्रिस्टल से, उनको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे, ओनली बाय सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट इन अ लैब। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को पहचान के ही उसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। अब आप, क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ, बहुत लोग पूछते बोलते मैम हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो फेक है। बेसिकली जब आप बहुत सारे क्रिस्टल्स अपने हाथ में ले लेंगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा क्रिस्टल फेक है और कौन सा ठीक है।